हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेस्टी लाइफ में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम सबका फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। बहुत ही आसान तरीके से हम क्रिस्पी और टेस्टी फ्रेंच फ्राइज आज घर पे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये कितने ज्यादा क्रिस्पी बने हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज के आलू यूज किए हैं। आप बड़े साइज के ही आलू यूज करें, इससे फ्रेंच फ्राइज का शेप बहुत अच्छा आएगा। वैसे तो इनको बनाने के लिए मार्केट में अलग आलू आते हैं जिनमें कम स्टार्च होता है, पर मैंने नॉर्मल आलू ही लिए हैं जो हम घर पे यूज करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आलू हार्ड हो, सॉफ्ट आलू को आप यूज ना करें। तो हम आलू को छील के तैयार कर लेंगे और अब हम इनको लंबे और पतले टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो पहले मैं इनको चारों तरफ से हल्का सा कट कर रही हूँ ताकि इनका शेप इवन आए। आप इन आलुओं को दूसरी सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इनको हल्की सी थिक स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो आप आलू को एक हाथ से ऐसे टाइटली पकड़ें और फिर इस तरीके से चाकू से कट कर लें। चाकू आप थोड़ा शार्प वाला यूज करें ताकि आप इन्हें आराम से कट कर सकें। तो ये देखिए, मैंने इन्हें बहुत ज्यादा मोटा या पतला नहीं कट करा है, आप इन्हें मीडियम थिकनेस का रखें। और अब हम इनको लंबे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक एक स्लाइस को करीब 4 से 5 बार इस तरीके से लंबा कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कितने अच्छे शेप में कट हो गए हैं। और अब हम इनको तुरंत नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डाल देंगे, क्योंकि आलू बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, इसलिए काटने के बाद आप इसे पानी में डाल दें। अगर आपके पास बड़े आलू नहीं है तो आप इन्हें छोटे आलू से भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि आलू अगर हम बहुत ज्यादा पतला कट कर देंगे तो फ्राई करते समय ये टूट जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और अगर हम इन्हें मोटा रखेंगे तो फिर ये सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं बनते। सारे आलुओं को काट के मैंने पानी में डाल दिया है और अब हम इनको 2 से 3 बार साफ पानी से धोएंगे, या जब तक कि ये सफेद पानी साफ ना हो जाए, ताकि आलू का जितना भी एक्सेस स्टार्च है वो निकल जाए। तो मैंने इसे 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिया है। आप देख सकते हैं पानी अब बिल्कुल साफ हो गया है। अब हम इसे फ्रिज में ऐसे ही करीब आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि आलू का पूरा स्टार्च पानी में निकल आए। आधा घंटा हो गया है, आलू को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और मैंने इसे फिर से 2 बार साफ पानी से धो लिया है। इन आलुओं को अब हमें कुक करना है ताकि ये 50% तक पक जाएं। तो गैस पर मैंने एक पतीला रखा है और इसमें इतना पानी डाला है कि इसमें आलू अच्छे से डूब जाएं। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक और अब पानी को अच्छे से बॉईल होने दें, उसके बाद ही हम इसमें आलू डालेंगे। ठंडे पानी में आप आलू ना डालें। तो ये देखिए, पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है और इसमें अब हम आलू डाल देंगे और इसे अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, इससे ज्यादा आप इसे ना पकाएं। तो करीब 4 मिनट हो गए हैं, गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसे एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। अब हम इसे पंखे के नीचे किसी साफ कपड़े के ऊपर फैला देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ा सा आप इस तरीके से डैप कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा प्रेस ना करें, नहीं तो आलू टूट सकते हैं। इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। साथ में ही डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच ऑरिगैनो, अगर आपके पास ऑरिगैनो नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स की जगह आप 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया है, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप नमक अभी ऐड कर देंगे तो आलू पानी छोड़ देंगे और फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इनको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर हर तरफ से आलू पे कोट हो जाए। कॉर्नफ्लावर हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, बस उतना ही यूज करना है कि ये आलू को ऊपर से हल्का सा कोट कर दे। तो ये देखिए, आलू को हमने अच्छे से कोट कर लिया है कॉर्नफ्लावर से और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो तेल को मैंने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी स्लाइसेस डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से आलू की स्लाइसेस एक दूसरे में ज्यादा चिपकती नहीं है, इसलिए आप अपनी कढ़ाई में जितनी स्लाइसेस आराम से डाल सकें उतनी डाल के फ्राई कर लें। हम इसे 2 बार फ्राई करेंगे। तो पहली बार हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे करीब 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए, करीब 3 मिनट हो गए हैं और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे।
और इसी तरीके से हम बाकी की बची हुई स्लाइस को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको इन्हें आज नहीं खाना है और आप इन्हें किसी और दिन खाना चाहते हैं, तो आप इन्हें इस टाइम पे मतलब पहला फ्राई होने के बाद आप इन्हें प्लेट में निकाल लें और फिर रूम टेम्परेचर पे इन्हें ठंडा होने दें। उसके बाद आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रख दें, और जब भी खाने का मन हो तो आप इन्हें फ्रीजर से निकालें और हाई फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करें और फिर आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये भी हल्के से फ्राई हो गए हैं और इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो जो पहला बैच हमने फ्राई किया था वो हल्का ठंडा हो गया है, तो हम इसे दूसरी बार फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई पे रखेंगे और इन्हें अच्छा क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। तो इनको फ्राई करते हुए मुझे करीब 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इनमें बहुत ही प्यारा सुनहरा सा रंग आ गया है। तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं ये, और जो दूसरा बैच है उसे भी हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है और इसे भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे करीब 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, या जब तक कि अच्छे से कुरकुरे ना हो जाएं। इनमें भी अच्छा सुनहरा रंग आ गया है, तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये कितने ज्यादा क्रिस्पी बने हैं, और अभी ये बहुत गर्म है तो इसी टाइम पे हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच नमक, नमक मैंने पहले नहीं डाला था, 1/2 छोटी चम्मच ओरिगैनो, 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। मसाले हमने पहले भी डाले थे, तो अगर आप चाहें तो इन्हें पहले ना डालकर सिर्फ इस टाइम पे डालें। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या अगर आपको कोई और मसाले पसंद है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। और अब हम इन मसालों को फ्रेंच फ्राइज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। आप एक बार इन्हें ऐसे जरूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल टेस्टी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेस्टी लाइफ।